हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आने वाले हार्स्टन वाल्डन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विक रीजन की तरह आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, ALU का पूरा नाम है, तो ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है? अगला प्रश्न है, देखो, CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो CPU एक चिप है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, तो बुनियादी कार्य क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल यूनिट है, लॉजिकल ऑपरेशन है ना? डाटा स्टोरेज भी करता है, तो ये सब इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला प्रश्न, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, यह निम्नलिखित में कौन है? इसका उत्तर है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, इसका उत्तर है न्यूमेरिक। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डेटा आकलन, ठीक है? कंप्यूटर डेटा का आकलन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगला प्रश्न, कंपेयर है, तो कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य है। ALU का क्या है? अर्थमेटिक कार्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस है, ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न, सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, अतः इसका उत्तर ये सभी होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? इंटरनेट शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट व ALU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे खाली स्थान भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, तो कि इसका आंसर होगा
सीपीयू। अगला प्रश्न, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? हरमन फुलरित ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है, तो डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है, तो ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? तो कौन से प्रकार नहीं है? ऑप्टिकल कंप्यूटर। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में सबसे तेज कौन सा है? तो कैश मेमोरी, ठीक है। अगला प्रश्न, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो किसने बनाया था? क्रिस्पर एकल्ट और जॉन मोसले ने, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? तो ENIAC। अगला प्रश्न, अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? तो बाइनरी का, ठीक है, बाइनरी या द्विगुण। अगला प्रश्न, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम शायद क्रे वन है, इसका अलग अलग कंटेंट में अलग अलग उत्तर देखने को मिलता है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना करना, ठीक है। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो प्रकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडारण। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विधारी अंक पद्धति। अगला प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो सीडैक। अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो तृतीय पीढ़ी।